Hey guys, welcome to my new vlog. मैं आज आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सी जगह जहाँ पे सब जाते हैं, जो भी कोलकाता आते हैं सबको जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कहाँ मैं आई हूँ। ये आप देख रहे हो मेरे इंतजार में कौन बैठी हुई है, विक्टोरिया मेरे इंतजार में बैठी हुई थी इतने दिन से। ना कुछ है दिखाने के लिए कि एक दिन में तो खत्म ही नहीं होगा, मुझे तो लग रहा है। झील है, विक्टोरिया है, अभी तक अंदर भी नहीं गई हूँ, अंदर जाऊंगी तो और भी कितना सारा कुछ होगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगी सब कुछ कवर करने के लिए। और कुछ नहीं। किसी के यादों में खोई हुई को हमने सजा दी। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है यार, लग रहा है यहीं बैठे रहे बस। तो अभी मैं जाऊंगी विक्टोरिया के अंदर। पार्क में ज्यादा मजा आ रहा था, अब अंदर जाके देखती हूँ कैसा लगता है। एवरीवन स्टेयरिंग एट मी। मैं विक्टोरिया पहले आ चुकी हूँ, शायद 5 to 6 ईयर्स पहले, उसके बाद मैं आ जा रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जब भी कोई कोलकाता आता है तो विक्टोरिया पहले आता है, विक्टोरिया ऐसे चीज़ी है। हाँ, अगर आप धूप में बहुत आए हो तो पार्क एरिया में बैठ सकते हो कुछ देर, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसके बाद आप अंदर जाओ। कितना फायदा दे रही है। अभी मैं जाऊँगी अंदर, तो अंदर मिलते हैं आपसे। तो आज मैंने ये वेयर किया है, नवरात्रि टाइप लग रहा है। यहाँ पे मिरर सेल्फी ले सकते हो। किसी का ड्रेस रखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रही है, एक मिनट बता रही हूँ। ये तात्या टोपी का शायद। अरे कब से सब वेट कर रहा, ट्रेन कब खुलेगी भाई। ये मेरा फैमिली फोटो सबसे साइड में जो है, ये लेके फोटो देखिए, विक्टोरिया का, वो मेरे अंकल है, उन्होंने बनाया। ये मेरा बाराती का फोटो है, पर मैंने रिजेक्ट कर दिया उनको, तो वो चले गए बारात लेके वापस। ये कितने पुराने फोटोज लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये लोग यात्री लोग बैठे हुए हैं। आपको लेंस कार्ट में नहीं मिलेगा कभी भी, बता दे रही हूँ मैं। ये बहुत पुराना फुटेज लग रहा है, 1944। यहाँ पे भी चश्मा है। मैं एक बहुत सीरियस बात आप लोग को बताना चाहती हूँ, जो किसी को नहीं पता है, बट मैं आज इस वीडियो में रिवील करना चाहती हूँ कि मैं ही विक्टोरिया की एक दोस्त थी, जो आपके सामने हूँ। गर्मी लग रही है कि मैं इस फैन के पास खड़ी हो गई हूँ। अगर मैं यहीं पे कुछ दिन गुजारूँ और मज़ा आ रहा, मज़ा। मैक्सिमम चीजें तो मैंने देख ली, आप तो अगर कुछ छूट गया तो देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में इस्तीफा देने से पहले सुभाष किन विचारों में उलझे थे, वो भी लिखा हुआ है।
ये कितना बड़ा एरिया है, आराम से एक रूम बन जाएगा मेरे लिए। इसको किसको बर्लिन जाना है, तो बाहर जाएंगे आजाद होने के लिए। यहाँ पे हो गया काफी मजेदार। अब मैंने सोचा तो बहुत गर्म होगा, पर उतना गर्म नहीं है। तो मैं आ गई हूँ बाहर, अभी मैं बेंच में बैठी हुई हूँ, मेरे साथ अन्य मुन्ने बच्चे बैठे हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय।